अभी अति फ्रेश पेन और इसका हो गया है रेडी। सालन देखें कितने मज़े का, माशाल्लाह कितना मज़े का, लुकिंग सो यमी यमी। ये जो फलियाँ थी ना, ये फ्रेश बीन है और इसका जो ये बीन्स जो है ना शुगर पेशेंट के लिए ज़बरदस्त है, गजाइए से भरपूर और वैसे भी बहुत शुगर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये फ्रेश की सब्ज़ी जो बहुत कम लोगों को पता है कैसे बनाते हैं, या हमें और बड़े तरीके से बनाई जाती है कीमा वगैरह डाल के, लेकिन हमने अपने तरीके से बनाई है। ये जो ये हमने बना ली है, इससे छोटे पीस होने चाहिए थे। ये इसमें प्याज और मसाला, ये टमाटर वगैरह, दही वगैरह जो भी, और ये हम इस तरह बनाने लगे हैं। इस तरह के नीच तरीके से ये मटर और आलू तैयार कर लिए हैं। ये वाली जो है ये हमने उसके लिए बनाई है, फ्राई करके खाएं, इसको बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसके ऊपर मसाला डाल के ना। तो हमने उसके लिए कटिंग करके रखी है, गैस आ नहीं रही है तो इसलिए ये सारा कुछ हमने तैयार कर लिया है। स्पिन कटी हुई इससे छोटे पीस भी अच्छे हो जाते हैं। ये मटर और आलू और मसाला, अभी लाइट आती है, लाइट और गैस आती है तो दूध दूध करते हैं। ये इस तरह आती है फ्रेश बीन, बनाते हैं अभी गैस आती है तो रेडी हो गई है। ये अदरक लहसुन और लहसुन जो गरम मसाला, ये सारा हमने इधर कोट पीस लिया, इधर पीस के रख लिया। ये प्याज और पीस को कट करके उसमें डालेंगे। ये जो हमें फ्राई करना खाने के लिए रखी थी वो वाले तो मसाला डाल के बहुत टेस्टी है रखते हैं। लकड़ियाँ पुराना हो रहा है, ओवन के ऊपर बचा रही थी, कितना बुरा हो रहा है सुबह से लाइट कर रही थी। तो मुझे गैस नहीं आ रही थी उसकी वजह से हमने देसी तोड़ के इस्तेमाल किया गया लकड़ियों वाला, इतनी स्लो आ रही है ना कि उसकी वजह से चले ये इसमें डाल दें फ्राई करने के लिए। ये जो फ्रेश भी है ना वो हो रही है, लाइट फ्राई करेंगे फिर खा लेंगे मटर और बंद करना। ये अभी आप क्या ये प्याज उसमें टमाटर उसमें शामिल कर दिए, उसके साथ ये जो है थोड़ा दही है ये जो भी डाल देंगे तो इसकी अच्छी तरह से बनाई करेंगे। मसाला तैयार हो जाता है, मसाला तैयार हो जाता है फिर इसमें हम लोग मसाला तैयार हो रही है, ये हो चुकी है। अब इसमें हमने ये चीज़ डाल ली है, कुछ
इसको थोड़ी देर पकड़ने के लिए दम पे रख देंगे। अगर पानी की थोड़ा पानी भी डाल लेंगे फेंक लगेगा तो फ्राई हो जाएंगे। फ्रेश बीन शामिल रख दें 20 मिनट बाद ऑलमोस्ट ना जो हमारे आलू मटर दोनों नरम हो गए हैं उसको 10 मिनट तकरीबन 15 मिनट में रखा है तो लग जाएंगे सर माशाल्लाह से। अब इसमें ये डाल रखे हैं जो हमने फ्राई की थी, क्या उसका नाम है, फ्रेश बीन, वो अब इसमें कर देते हैं, करते हैं शामिल और इसको डाल के 5 मिनट के लिए रखेंगे। इसको ना अच्छा लग रहा है देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये इसको कवर करते हैं और 5 मिनट तक इंशाल्लाह। कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, दिसंबर का लास्ट चल रहा है ना, बारिश नहीं हुई थी इसकी वजह से कितना नज़र भी नहीं आ रहा, कितना ना अंधेरा ही अंधेरा हुआ हुआ। चल के देखते हैं अपनी हंडिया देखें। ये कुछ इस तरह का हमारा हो गया, रेडी हो गया माशाल्लाह से। रेडी हो चुके हैं तो उसको आप शो करते हैं। फ्रेश बीन का जो फ्रेश बीन आलू मटर ये सब का कितना मज़े का मज़े का सब तैयार हो गया। कितनी अच्छी लुक आ रही है, बहुत टेस्ट लग रहा है, मज़े का माशाल्लाह से रेडी हो गया फ्रेश बीन का सर। कितना मज़े का, इतना मज़े का होता है, इतना फ़ायदेमंद होता है शुगर वालों के लिए। ये जो फ्रेश बीन है वो तो इतनी अच्छी होती है और बहुत ही बहुत कम लोग इसको अभी लोगों को पता भी नहीं है फ्रेश बीन क्या चीज़ है। तो ये देखें जी इतना मज़े का, सो जमीन अभी मैंने थोड़ा चेक देखा था, इतना मज़े का बना है